अच्छा ये पानी का बोतल कितने में दे रहे हैं? 50 का दे रहे हैं, आपको बताता हूँ। रेट 20 का है, 50 का दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत यहाँ पे पूछते हैं मैगी कितने का भाई जी। मैगी वैसे तो 60 का है, अब कई लोग बोलते हैं महंगा हो गया तो हम 50 की भी देते हैं, हम किसी से वो नहीं करते। आप कितने में दे रहे हैं मैगी? हम 50 की भी देते हैं, वैसे रेट यहाँ के लिए लिस्ट, रेट लिस्ट बना रखे 60 रुपये। ये सरकारी रेट? जी जी। किसने किया ये डिसाइड? अब ये बोर्ड बना रखे हैं, सबने बना रखे हैं ये, मतलब व्यापार संघ, व्यापार संघ, ये व्यापार संघ के रेट है। जी जी। आप कहीं भी जाएंगे 60 रुपये ही रेट है। हाँ, तो 60 रुपये ज्यादा नहीं लगता भाई जी आपको? 10 रुपये का तो पैकेट आता है। तो यहाँ 10 रुपये का कहाँ पड़ता है भाई साहब? बहुत आप बताओ ना, 60 रुपये का क्यों है यहाँ? 60 रुपये आप दुलान लगा लो यहाँ का, यहाँ का, यहाँ की कंडीशन देख लो, हम ऐसी हालत में देख लो कहाँ ना ना, एक एक दो दो हफ्ते तक पानी मोह लगाने लायक नहीं। नहीं, आप 10 में तो खरीदते होंगे ना मैगी को? 10 की कहाँ खरीदते हैं, गौरी कुंड आते आते तो वो हमको, आप लगा लो जो हमको माल गुप्तकाशी में 10 रुपये का मिलता है, वो यहाँ गौरी कुंडी में वो बोलते हैं हमारा तो 2-3 लाख किराया देते हैं 6 महीने का। मैगी की पेटी गुप्तकाशी में हमको 900 की मिलती है और गौरी कुंड में 1100-1200 की देते हैं। फिर आप लगा लो अगर 3 पेटी लाता है लेबर, 1500-1800 रुपये लेबर लेता है, इतना महंगा पड़ता है। मैं आपको दिखाऊं, मतलब आपको एक मैगी का पैकेट 30-40 रुपये का पड़ता है? 30-40 का नहीं पड़ता, इतना झूठ तो क्या हो। हाँ, 18-20 का करीब करीब पड़ जाए, 18-20 का मैगी पड़ा। जी जी। अब जो सिलेंडर लोग नीचे 1200 का बोलते हैं कि महंगा हो गया, जी जी, वो सिलेंडर आपको यहाँ 4000 में पड़ रहा है? 4000 में बताता हमको, 2500 इसकी भराई गुप्तकाशी में, 2500 भराई गुप्तकाशी में। उसके बाद आप लगा लो 100-200 रुपया वो गाड़ी वाला लेता है यहाँ तक। हाँ। गौरीकुंड तक। हाँ। और गौरीकुंड से 2000 रुपया दो सिलेंडर का हम यहाँ देते हैं। हाँ। मतलब देखने के लिए हर आदमी ये सोचे ना कि यहाँ पर व्यवस्था, और एक दिन महंगा पड़ा कोई बात नहीं तो नहीं है, वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हर कोई बोले ठग रहे हैं तो मैं तो समझ रहा हूँ, हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं कि हमने कुछ बचाया अभी। आप देख लो पानी की बोतल, 72 बोतल। अच्छा ये पानी का बोतल कितने में दे रहे हैं? 50 का दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। रेट 20 का है, आप 50 का दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि 72 बोतल हमारी जो है वहाँ 1500 की पड़ते हैं। अच्छा, 20 से आगे वो वहीं पहुँच गई और 2000 किराया दिया तो 3500 की हो गई, कितनी 72 बोतल। आप कैलकुलेट करके देख, जो लोग नीचे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लूट है, यहाँ पे महंगाई है, उनके लिए क्या बोलेंगे? तो ऐसे हम सब लोगों को समझाते हैं, देख लो मैं पानी की बोतल कोई मांगता मैं बोलता हूँ 50 रुपये की है, लूट कोई नहीं है। रुको ना, मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ ना, आप मुझे एक चीज़ बताओ। जी जी। जो लोग ये कहते हैं यहाँ पे लूट है, हाँ, अगर उनको यहाँ बुला दिया जाए और वो 3 दिन यहाँ रह के देखे? नहीं, मैंने तो कई यात्रियों को ऐसे समझाया, पता लग जाएगा यहाँ की जो कंडीशन है वो। आप देख लो 72 बोतल कितने, 3500 की पड़े, आप कैलकुलेट करके देखो कितने की पड़े। अब हम कितना लूट रहे हैं, 3500 में 72 बोतल, 6 मतलब 12×6 72, 6 पेटी लाता है खच्चर और उसको 2000 किराया देते हैं। तो आप बोलो कितने कितना, अब अभी कैलकुलेट 3500 का 72 बोतल का करो कितने की पड़ रही, कितना लूट रहे हैं। 10 रुपये, 8 रुपया मिल रहा है, 8 रुपया मिला है कुछ ऐसा मिला कि 6 रुपया मिल रहा है। इसलिए मैं पानी बोतल को ही मांगता मैं बोलता हूँ 50 के, वो बोलता है महंगे, मैं बोलता हूँ यहाँ पर 40 के, मैंने कहा 40 का हमको नहीं पड़ रही। तो ये किराया भाड़ा खा जाता है ना। अब आप लगा लो डीजल, ये स्टोव जो जल रहा है डीजल, तो सबको पता है यहाँ का पेट्रोल पंप, सबको पता है कहाँ गुप्तकाशी में। गुप्तकाशी से मैंने 80 लीटर डीजल जो है, 150 लीटर डीजल जो है 14900 का भरा, उसके बाद गाड़ी का दिया, फिर यहाँ तक का किराया दिया। तो आप बोलो कि महंगाई कहाँ पे है?